1.5 वर्षीय मासूम की हत्या का मामला, ग्रामीण व परिजन हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अड़े। बोराड़ा थाना क्षेत्र के निकटवर्ती गांव डिंगारिया तेलियान गांव में 1.5 वर्षीय मासूम की हत्या के मामले में सांसद भागीरथ चौधरी, केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम की समझाइश के बाद दूसरे दिन करीब 4:30 बजे परिजन व ग्रामीण शव लेने को राजी हुए। प्रशासन तथा ग्रामीणों के बीच सहमति बनी। बता दें 19 मार्च को डिंगारिया तेलियान गांव में घर के बाहर खेल रहे गिरिराज जाट के 1.5 वर्षीय पुत्र कानाराम को अज्ञात बाइक सवार लोग अपहरण कर ले गए और हत्या कर शव जंगल में फेंक दिया। बड़ी मशक्कत के बाद प्रशासन व परिजनों तथा ग्रामीणों के बीच पोस्टमार्टम को लेकर आज सहमति बनी। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर परिजन व ग्रामीण अड़े हुए हैं। सांसद भागीरथ चौधरी ने भी कहा कि इस तरह के हत्यारों को फांसी की सजा देनी चाहिए। साथ ही ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। 1.5 वर्षीय बालक की हत्या के मामले में ग्रामीणों ने डिप्टी हर्षित शर्मा को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा। वहीं दूसरी ओर पुलिस अधिकारियों ने आरोपियों के खिलाफ मोर्चा छेड़ दिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। हत्यारों को पकड़ने के लिए पुलिस ने 20,000 का इनाम भी घोषित किया है। लिया है भाई, कल ना कोई कहीं देरी हो जाए, 3 दिन ही। मैं तो चाहता हूँ आज की तारीख में इसका खुलासा होना चाहिए और इसको सख्त से सख्त सजा क्या, इसको फांसी होनी चाहिए ऐसे आदमी को, जिसमें मानवता नाम की कोई चीज नहीं है। 1.5 साल का बहुत बच्चा जिसका कोई कसूर नहीं है, उसको मार दिया गया, इससे ज्यादा क्या अपराध हो सकता है? पूरे गांव के अंदर आज 3 दिन से चूल्हे नहीं जले, मंदिरों की सेवा नहीं हो रही है, इससे बड़ा क्या अन्याय हो सकता है? तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि गांव वालों से हमने सबने यही निवेदन किया और प्रशासन को हमने आगाह किया है कि हमने 3 दिन का समय लिया है। मैं तो चाहता हूँ आज की तारीख के अंदर ही इसका खुलासा होना चाहिए, क्योंकि